स्वाति लेकर आई थी ये वाली, ये क्या है इस पर लिखा हुआ है बटर चकली, ठीक है ये बहुत टेस्टी है, हमने एक पैकेट तो खा लिया, ये दूसरा निकाला है, ये लेकर आइए, भी अच्छा है, चलो छोटे छोटे पीसेस में है, कभी मीठा खाने का मन करे तो अच्छा लगता है। इस तरह का और भी लाइए, पर मैंने अभी पाँच ही निकाले, और एक ये चने हैं जो इसको ट्रेन में मिले थे, तो इसने नहीं खाए तो ले आई घर में, ठीक है ये सारा सामान ये लाइए, मैंने कहा डिब्बे में डाल देती हूँ। चलो व्यूअर्स, आज है 23 तारीख और ये रात के ना 9 बजने वाले हैं, 10 मिनट रह गए 9 में, मैं किचन में आई हूँ और देखो आज हमने ये भी नहीं खाया, मैंने कल रात को भिगो दिया था, पर सुबह हमने खाया ही नहीं, हमने सोचा वहाँ शाम को ज़्यादा भूख लगती है तो शाम को खा लिया करेंगे, ये मेरा हिस्सा बचा है, इसके पापा ने और स्वाति ने तो खा लिया, ये मेरा हिस्सा है, मैं खाती हूँ अभी बाद में। और अभी मैं काटने वाली हूँ दो ये कीवी और एक आम, स्वाति को तो काट के दे दिया, उसे बड़ी भूख लग रही थी, कह रही मुझे बड़ी भूख लग रही, तो पहले तो उसने ये खाए, पहले मैंने उससे पहले ये वाले खा लिए, इसने खाए हैं, उसके बाद उसको मैंने दो कीवी और एक आम काट के दिया तो उसने खा लिया है, तो उसके बाद जो है ये इसके पापा के लिए रखा है, मैं उसके उनके लिए काटने वाली हूँ, उसके बाद मैं अपने लिए काटूँगी, ठीक है तो चलो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। बड़ा बिजी रहा है आज, हमारी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी 2:45 की थी, ठीक है तो उन्होंने कहा था हॉस्पिटल वालों ने कि जल्दी आ जाना, ज़रा मतलब 20 मिनट पहले आ जाना, क्योंकि वहाँ पे कुछ जो उनकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं, कागज़ वगैरह तैयार करने होते हैं, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो फिर हम चले गए, हम पता पर पहुँचे कितने बजे, हम 2:50 पे पहुँच गए, इसके पापा को धक्के मार के निकालना पड़ता है, जल्दी निकलते ही नहीं है, ऑटो करके गए 2:50 पे पहुँचे, 2:56 पे हमारा वो कागज़ तैयार हो गया था जो बनवाना था, और जाके पता लगा कि डॉक्टर ओटी में आया, डॉक्टर है ही नहीं, और पेशेंट वेट कर रहे थे, फिर वेट करते रहे, काफ़ी देर वेट करनी पड़ी है, फिर डॉक्टर आए, फिर देखा उन्होंने, और मैंने अपनी स्पाइन का दिखाना था, तो उन्होंने दूसरे जो मेरे घुटनों वाले डॉक्टर थे उन्होंने स्पाइन वाले डॉक्टर की तरफ मतलब रेफ़र कर दिया था, क्योंकि 6 महीने पहले मैंने जब MRI कराई थी अपने उसकी पीछे पीठ की रीढ़ की हड्डी की, तो उसमें आया था कि एक नस दबी हुई है, तो डॉक्टर ने कहा था फिजियोथेरेपी करते रहो, तो फिर हम 6 महीने से तो फिजियोथेरेपी पीछे की चल रही है, और वो फ़र्क पड़ा ही नहीं था कोई भी, तो फिर डॉक्टर ने कहा नहीं फ़र्क पड़ रहा तो आप स्पाइन वाले डॉक्टर को दिखाओ, स्पाइन वाले डॉक्टर को दिखाया, ये पुरानी रिपोर्ट लेके नहीं गए थे, फिर उन्होंने हमें आगे मैंने कहा आप ना MRI कराने के लिए लिख दो, वो 6 महीने पुरानी MRI है, अब हड्डी की कंडीशन कैसी है वो पता लगेगा ना, तो डॉक्टर ने 3 चीज़ें लिख दी, एक MRI लिख दी, एक एक्सरे लिख दिया, और एक वो लिख दिया क्या कहते हैं आपकी हड्डियाँ कितनी मजबूत हैं, मतलब वो उसका भी एक टेस्ट होता है वो लिख दिया, तो इन टेस्ट तो मेरे लिख दिए, और उसके बाद 2 दवाइयाँ दे दी हैं, एक बार ठीक है, और हाँ 2 दवाइयाँ दे दी हैं, एक नसों को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और एक दूसरी दवाई, 3 दवाइयाँ आई हैं मेरी, इसमें से एक तो ये एक दवाई सामने पड़ी है, ठीक है मैं अपनी दवाइयाँ सारी इसी में रखती हूँ जो डेली खानी होती है मुझे, और जहाँ इकट्ठी पड़ी होती है वहाँ से निकाल कर उसमें डाल देती हूँ, ठीक है तो ये अभी आई है, 2 दवाइयाँ और आई हैं, वो बिल्कुल वैसी नहीं आई हैं जैसी मतलब इसमें लिखी थी, थोड़ा सा चेंज है, तो हस्बैंड लेकर आए थे अपने वहाँ से ऑफिस से, तो वो कह रहे हैं कि थोड़ी सी अलग हैं, तो फिर वो कह रहे हैं मैं खरीद के दूंगा तुझे, पता नहीं कि आप देखो, मैं तो मना कर रही थी कि मत खरीदो, मैं वही खा लूँगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है तो उसके बाद हुआ क्या, ये बाद में डाल दें, डलनी मुश्किल है इसमें थोड़ी, हाँ तो उसके बाद हुआ क्या कि फिर हम उसके बाद दूसरे डॉक्टर थे हमारे जो किडनी वाले डॉक्टर हैं, जिनको बहुत काफ़ी हो गए 2-3 4 साल से मैंने दिखाया ही नहीं था, क्या वो अब थोड़ी सी दिक्कत होने लग गई थी बाथरूम में, तो मैंने कहा अब दिखाना चाहिए, थोड़े मेरे पैर भी में भी स्वेलिंग आ रही थी पैरों में, दिखाना चाहिए, तो मैंने दिखाया तो वो स्पाइन वो हाँ वो तो डॉक्टर किडनी वाले कहते हैं कि ये जो तुम्हारी जो पैरों में स्वेलिंग है ना, ये तुमने जो घुटनों का ऑपरेशन कराया था, ट्रांसप्लांट कराया था, उसकी वजह से है, मैंने कहा ठीक है, फिर उन्होंने बाकी टेस्ट लिख दिए, उन्होंने भी दवाई लिख दी है, एक तो ये मैंने अभी जो आपको दिखाई ये बाथरूम को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, एक तो ये वाली दवाई है, नाम भी देखो यूरी, नाम भी क्या रखा है दवाई का, URIMX यूरीमैक्स 0 या डी है पता नहीं, हाँ डी है, यूरीमैक्स डी है, एक ये दवाई है मतलब बाथरूम को कंट्रोल करने के लिए, और एक आधी दवाई और दी, हाँ दो एक दो दवाई और दी उन्होंने, हाँ बाकी मैं अपनी पुरानी दवाइयाँ सारी लेकर गई थी, वो दिखाई थी कि मैं ये दवाइयाँ खा रही हूँ, तो उन्होंने कहा था ठीक है सारी, ठीक है और बाकी स्पाइन के लिए एक अलग दवाई खाती हूँ, थोड़ा मतलब दस कंट्रोल रहे, पर पता है क्या हुआ, फिर घर आए हमने हाथ दो डॉक्टर को दिखा लिया हमने आज, और घर आते थे हमें बज गए 5, हाँ 5 बज ही गए थे,
फिर आके मैंने क्या करा, पूरा पेट भर के खाना खा के नहीं गए थे। फिर आके मैंने आज मैंने दोपहर को आलू के पराठे बनाए थे, स्वाति के लिए बना के चली गई थी। और हमने सोचा, और हमारी वो पड़ी हुई थी, क्या कहते हैं, हाँ खिचड़ी, कल रात को खिचड़ी बनाई थी, वो पड़ी थी, हम तो थोड़ी थोड़ी वही खा गए थे। मैंने कहा आके खाएंगे, वो डॉक्टर ना चला जाएंगे। उसके बाद हुआ क्या कि वापस आके फिर मैंने एक एक परांठा बनाया, हमने खाया, मैंने और हस्बैंड ने। उसके बाद जो है ना, हमें जाना था वहाँ पर। आज पता है यहाँ पे रोड लाउड स्पीकर जो चल रहा था ना, वो उसका विधानसभा के इलेक्शन, उसके लिए तो वो वोटर जो पर्ची होती है वोट डालने की, वो भी दो दो बारी आ गई थी घर में, तो डालनी थी वोट, तो फिर हम चले गए थे वोट डालने के लिए। ठीक है, क्या चाहिए ले लो। फिर हम चले गए थे वोट डालने के लिए, तो बस पहले हॉस्पिटल से आई मैं पैदल, थोड़ा सा आराम किया 5-10 मिनट से, हाँ उसके बाद आराम भी नहीं किया, खाना बस खाया, एक एक परांठी खाई और फिर निकल लिए। फिर वोट डाल के आए, वोट डाल के आ गए 6:30-6:30 हो गए थे मेरे ख्याल से। उसके बाद तब से मैं आराम कर रही, मेरी बहुत ही बढ़िया वाली बहन बजी, क्योंकि जो वोट डालने जाना था वहाँ भी पैदल गई, पैदल आई, और हॉस्पिटल से भी वापस मैं पैदल आई, तो बढ़िया वाली बहन बजी थी। फिर हस्बैंड से कह के मैंने चाय बनवाई, चाय वाय पी, और उसके बाद पीछे दवाई लगवाई। और सोच लो मैं कितने बजे से आराम कर रही होंगी, 6:30 से कर रही होंगी आराम, 6:30 से लेके 8:30 तक, 2.5 घंटे आराम किया है। आराम करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में, अब मैं बनाऊँगी खाना। अभी पहले ये काट के दूँगी, ये जो फल सामने रखे हैं ये वाले, अपने लिए भी काटूँगी और हस्बैंड के लिए भी। उसके बाद फिर रात का खाना बनेगा। स्वाति कह रही है, मैंने स्वाति को ऑप्शन दिए थे कि रोटी सब्जी खानी है या फिर वो खाना है, क्या कहते हैं, रोटी सब्जी खानी है या फिर तो वो खाना है, क्या कहते हैं, मैकरोनी खानी है वर्मा से ली, तो कह रही वर्मा से ली, तो बनेगी रात को वर्मा से ली। तो मैं उसकी तैयारी करती हूँ, चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। 10 बज रहे हैं और देखो वीर बाजार से क्या क्या लाए हैं। ये मेरे ख्याल से बब्बू गोशा या वो नाशपाती लग रहे हैं मुझे तो, ठीक है ये नाशपाती लग रहे हैं। और ये आम है, आम मैंने बोले नहीं थे, मैंने बब्बू गोशे बोले थे, पर चलो कोई नहीं, आम तो नहीं बोले थे, आम पड़े हुए थे भी। गाजर बोली थी, गाजर बहुत महंगी आ रही है आजकल, एक शायद नींबू ले आए हैं, गाजरें महंगी आ रही हैं आजकल, लाल तो आती भी नहीं है। अदरक तो चाहिए ही होता है, देखो अदरक हमारा खाने में भी बहुत डलता है, चाय में भी डलता है। टमाटर थोड़े से ले आए हैं, बस इतना के सामान ही आया, ज़्यादा सामान नहीं आया इस बार, लेट गया ना, ये गए होंगे मेरे ख्याल 9:30-9:30 बजे, तो काफ़ी कुछ ख़त्म हो गया। मुझे पूरी धनिया मंगवाना था, अम्बी मंगवानी थी, कच्चा आम मतलब, और आंवला मंगवाना था, 3 चीज़ें तो आई नहीं। हरी सब्ज़ी भी कोई एक आधी होती तो ले आते, वो भी नहीं आई। चलो कोई नहीं, 2 सब्ज़ियाँ भी मेरी फ्रिज में पड़ी हैं जो बनाई नहीं अभी तक। चलो मैं इन सामान को संभाल लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है। अब मैं वर्मा से लेके, वो देखो सामने वर्मा से ली पड़ी, उसकी तैयारी कर रही हूँ। तरबूज के छिलके पड़े हैं, मैं उनको काट के रख रही हूँ, अभी काट के रात को रख देती हूँ, कल सवेरे सब्ज़ी बन जाएगी। और दिखा रही हूँ मैं क्या हो रहा है इधर, मेरी ये वर्मा से ली तैयार है, काफ़ी सारी बना ली मैंने, इसलिए कि सबका पेट भर जाए ना, ना कि कम बने फिर पेट ही ना भरे। तो वर्मा से ली तो रेडी हो गई है, इसमें मैगी मसाला डाला है मैंने थोड़ा, एक पैकेट छोटा वाला, और बाकी तो इसमें नॉर्मल सब्जियाँ ही डाली हैं, मटर डाले हैं, गाजर डाली है, प्याज टमाटर बड़ी हरी मिर्च शिमला मिर्च ये सब डाला है, ठीक है। तो ये रेडी हो गई है, गैस बंद कर रही हूँ, और इधर दूध गर्म हो रहा है मेरा, ठीक है, भी लेकर आए हैं दूध, तो दूध गर्म हो रहा है, बस खाना मेरा बन गया। अब मैं वो काट के रख लेती हूँ, क्योंकि काम जितना निपटा लो उतना ही अच्छा है, सवेरे फिर थोड़ा सा टाइम बच जाएगा मेरा। चलो अब हम खाना एंजॉय करते हैं, मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए करेंगे टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, सब्सक्राइब के बटन को दबाइएगा, दबाने के बाद बेल आएगी उसको दबाइएगा, ब्लैक वाली बेल आएगी उसको भी दबा दीजिएगा, बस काम खत्म। फिर आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाएगा। चलो मिलते हैं कल आपसे, बाय बाय।